गाइस, खांसी से लोग परेशान हो जाते हैं, दवा भी खाते हैं पर ठीक नहीं होता, फायदा ही नहीं। तो श्रीमान, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, गलती दवा की नहीं आपकी है। बिहारी भाषा में हम इसे खोखी भी कहते हैं। इस कंडीशन में समझ नहीं आता कौन सी दवा खाई जाए जिससे हमारी खांसी छू मंतर हो जाए। तो वेलकम है आपका फार्मा ओरिजिन 2.0 पे। मेडिकल चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खांसी के टाइप्स की। तो ये जो कफ होते हैं वो दो तरह की होती है, पहली एक ड्राई कफ, एक वेट कफ। ड्राई कफ को हम सूखी खांसी कहते हैं और वेट कफ को गीली खांसी। यानी दो तरह की खांसी मेन रूप से होती है। इसके और भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे हुपिंग कफ, इसको हम कुकुर खांसी कहते हैं, बार्किंग कफ, बर्निंग कफ, ये सब क्या है, खांसी के प्रकार है। तो गाइस, सूखी खांसी के लिए डॉक्टर के द्वारा बेस्ट दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसका नाम है डेक्सोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट। ये दोनों ड्रग कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ग्रिलिंटक्स DX के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और खांसी की अच्छी दवा है। ग्रिलिंटक्स DX के अलावा एक और मेडिसिन आती है, जिसका नाम है टूसेक्स DMR। इसमें भी डेक्सोमेथोर्फन और क्लोरफेनिरामाइन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होते हैं, यानी दोनों सेम ही दवा है। डेक्सोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एक एंटीट्यूसिव एजेंट है, जो कि कफ को सप्रेस कर देता है ब्रेन में पहुंचकर। और क्लोरफेनिरामाइन मिलेट एक एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है, जो कि हिस्टामिन को ब्लॉक करता है और हम ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं वेट कफ के लिए, गीली खांसी, इसके लिए कौन सी दवा बेस्ट होती है। वेट कफ यानी कि गीली खांसी, बोले तो नाक मुंह से पानी आता है, छींक आती है, सीने में दर्द भी होता है, सांस लेने में तकलीफ भी होती है। इसके लिए सबसे अच्छी दवा म्यूकोलाइटिक एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर, ये सारी मेडिसिन आती है। म्यूकोलाइटिक मतलब कफ को तोड़ता है, कफ जो जम गया ना उसको लूज कर देता है। एक्सपेक्टोरेंट एयर वे जो श्वसन नली है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। ब्रोंकोडायलेटर यानी कि ब्रोंकी को क्लियर करना, लंग्स में फेफड़े में जो कफ जमा हो गया है उसको साफ करता है, रास्ता को क्लियर देता है। ये तीनों का ये मेन काम है। गीली खांसी में लंग्स की मसल सिकुड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होते हैं और सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लंग्स को पहुँच नहीं पाता, जिसके वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। इसकी बेस्ट दवा ग्रिलिंटस BM के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो टर्बुटालिन सल्फेट होती है और ब्रोमहेक्सिम हाइड्रोक्लोराइड होते हैं, जो म्यूकस को तोड़कर बाहर निकालता है। इसके अलावा एमरोडिल सिरप, जिसमें सल्बुटामोल होती है, मार्केट में अवेलेबल है एमरोडिल सिरप के नाम से। फिर एक और है बेनाड्रिल सिरप, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये सारी मेडिसिन 3 कॉम्बिनेशन में आते हैं, बेसिकली डाइफिनहाइड्रामीन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट। ये सारी मेडिसिन वेट कफ के लिए बेटर है। लोग अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सूखी खांसी में गीली खांसी की दवा, गीली खांसी में सूखी खांसी की दवा ले लेते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अगर इसकी डोज की बात करें तो 5 ml एडल्ट के लिए दिन में 2 बार ले सकते हैं, और अगर बच्चे हैं चाइल्ड के लिए 2.5 ml सुबह शाम ले सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेडिकल चैनल है, हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।